केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शनिवार इंग्राजी नववर्ष 2022 अवसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुभारंभ करिछन्ते। एहि अभियान अधीन केन्द्र मंत्री श्री प्रधान देशर नागरिक विशेष भाव में युवपीढ़ी को बही पढ़ा नीतिदिनिया अभ्यास परिणत करने को आह्वान करिछन्ते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे पिला मानको निज बयस अनुसार निज मातृभाषा बा आंचलिक भाषा रे बही पढ़ा प्रोत्साहन देवाको गुरुत्व दिया। शुभारंभ करने अवसर में केन्द्र मंत्री श्री प्रधान छात्र छात्री मध्य सारा जीवन शिक्षा ग्रहण को विकसित करने दिगरे पुस्तक पढ़वार विशेषता उपरे गुरुत्वारोप करिछन्ते। अल्प बयसर पुस्तक पढ़ा अभ्यास कले शिशु मानसिक विकास कर सृजनशीलता को वृद्धि करने छात्र छात्री शिक्षार एक सुस्थ वातावरण से बही पढ़ा एक भल अभ्यास ज्ञान भाषा एवं सामाजिक दक्षतार विकास करिपारे एक भल उपाय। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशर नागरिक को नियमित पुस्तक पढ़ा आह्वान कर प्रधानमंत्री को एही प्रेरणा रे पुस्तक पढ़ा को सारा जीवन अभ्यास रे परिणत करिबा ने प्रतिश्रुतिबद्ध बोली केन्द्र मंत्री ट्वीट करिछन्ते। पढ़े भारत अभियान अंतर्गत केन्द्र मंत्री श्री प्रधान पांचटी पुस्तक पढ़ा आरंभ करिछन्ते। एथिरे दुईटी ओडिया पुस्तक कविवर राधानाथ राय चिलिका व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति प्रायश्चित रही अन्य तीनोटी पुस्तक जेम्स क्लियर ऑटोमिक हैबिट्स रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस स्वामी विवेकानंद रिफ्लेक्शन अभियान अंतर्गत पाठक पाठक माने नीचे पढ़ुवा पुस्तक सह आग को क्यों पुस्तक पढ़ा उचित से नहीं केन्द्र मंत्री को मतामत देवाकूंते। सूचना योग्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आह्वान क्रमे पढ़े भारत अभियान समस्त मध्य पुस्तक पढ़ा प्रति आग्रह सृष्टि करने दिगरे अभिनव पदक्षेप छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक शिक्षाविद एवं समाज समेत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर में समाज अंशीदार भागीदार को सुनिश्चित करिवार एहार उद्देश्य। 100 दिवसीय पठन अभियान छात्र छात्री पाठ पढ़ार उन्नति दिगरे एक महत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। बाल बाटिकाठू अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री अभियान भागीदारी हेबे। पठन अभियान 1 जनवरी 2022 आरंभ हो 10 एप्रिल 2022 पर्यंत 100 दिन बा 14 सप्ताह धरी आयोजन करा छात्र छात्री तथा लोकों मध्य पुस्तक पढ़ा को आग्रह सृष्टि उपभोग करने 14 सप्ताह मध्य गठन होता प्रति ग्रुप कार्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।